सिख सिकलीगढ़ समाज संगठन ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अखिल भारतीय सिख सिकलीगढ़ समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मगन सिंह भाटिया ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए कहा, हैदराबाद सुभाष नगर तेलंगाना में 17 वर्षीय सिख समाज की बालिका के साथ गैंगरेप होकर चौथी मंजिल से फेंक कर उसकी हत्या कर दी। अब तक पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है, कार्यवाही होकर आरोपियों को सजा दी जाए। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन मनावर तहसीलदार खतेड़िया राजस्व विभाग के माध्यम से दिया। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। मगन सिंह भाटिया, ये आज पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे रखते हुए आप आए, तो क्या क्या कारण है? ये 14 फरवरी 2022 तेलंगाना के हैदराबाद में, एक वहाँ हैदराबाद का एक मोहल्ला है सुभाष नगर, वहाँ पे हमारी एक 16-17 साल की सिख बेटी के साथ रात्रि में 10:30 बजे किन्हीं दरिंदों द्वारा अपहरण करके गैंगरेप करने के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई और उसको एक मल्टी के चौथे माले से नीचे फेंक दिया। उस मल्टी में उसका गैंगरेप हुआ और वहाँ से उसको ऊपर फेंक दिया। परिजनों द्वारा वहाँ पुलिस स्टेशन रंगारेड़ी पे उस मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई। किंतु पुलिस प्रशासन द्वारा 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। हमारा यह कहना है कि उस मामले में कोई रसूखदार लोग जुड़े हुए हैं, जिससे पुलिस प्रशासन कार्यवाही करने में बच रहा है। हमारे द्वारा, उसके बच्ची के परिजनों द्वारा पुलिस प्रशासन को बताया गया कि इस मल्टी से हमारी बेटी के साथ रेप हुआ है, हत्या हुई है, आप तत्काल इस मल्टी को सीज करें और इसके फुटेज कैमरे खंगालेंगे तो उन हत्यारों की आसानी से पहचान हो सकती है। पर पुलिस प्रशासन का बोलना है कि इस बच्चे के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट दर्शा रही है कि उस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, पश्चात उसकी हत्या कर दी गई है। तो हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से ये मांग है कि तेलंगाना सरकार वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकती है, ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करेगी, हमको न्याय नहीं मिलेगा। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आज अनुभाग अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर मांग की है कि CBI जांच की जाए और उन दरिंदों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक में मामला चलाकर उनको अविलंब फांसी दी जाए, नहीं तो संपूर्ण देश का सिख समुदाय तेलंगाना में पहुंचकर प्रदर्शन करेगा और पूरे राष्ट्र में भी उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।